विश्व प्रसिद्ध बाबा महाकाल की नगरी में हजारों लोगों को निशुल्क भोजन मिल रहा है। भोजन तैयार होने के बाद में सर्वप्रथम बाबा महाकाल के दरबार में भोग की थाली जाती है। उसके बाद मंत्रोच्चारण के साथ में भोजन की शुरुआत होती है। बड़े ही प्यार से यहाँ पर सभी श्रद्धालुओं को भोजन खिलाया जाता है। इतना ही नहीं, राजनीतिक व प्रशासनिक अधिकारी भी यहाँ पर समय समय पे अपनी सेवा देते हैं। खाना बहुत ही अच्छा था और जब हम अंदर गए तो अंदर का व्यू भी बहुत अच्छा था और बहुत नीट एंड क्लीन, और खाने में बहुत खाने की वैरायटी है, बहुत अच्छी थी और बहुत अच्छा खाना था, टेस्टी था। इवन खीर तो मुझे बहुत अच्छी लगी। पहले तो यहाँ पे भोग जैसे तैयार होता है, इकाट द्वारा बाबा महाकाल की थाली भोग की ली जाती है और मंदिहाल के वहाँ पहुँचा के वहाँ से अंदर भोग प्रसादी लगने के बाद वो वापस आता है प्रसादी। तब यहाँ पे डलने के बाद यहाँ पे आते हैं ब्राह्मणों द्वारा मंत्रोच्चार का प्रार्थना करके फिर यहाँ पे शुरुआत की जाती है। तो शाम में करीब 2 से 2.5 हज़ार लोग शुरू हो चुके हैं यहाँ पर। ज़्यादा जो भी लोग आते हैं, अधिकारी लोग आते हैं, उनको यहाँ इतनी अच्छी व्यवस्था लगती है कि खुद भी यहाँ सेवा में लग जाते हैं।